हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल हो, असाइनमेंट्स हो या हैंडमेड नोट्स हो और टॉपिक को समझाना हो तो कंप्लीट क्लास ज़रूर देखिए। हेलो बीएड के बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्लास शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मेरी क्लास में जो भी टॉपिक शेयर होते हैं ना, वो हमेशा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती अदर की तरह। एक सिंपल से टॉपिक पर आपका एक घंटा मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है बीएड के किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, क्योंकि वो मैं खुद कर चुकी हूँ। ठीक है, और जो चीज़ मैं खुद कर चुकी हूँ उसमें मैं स्टूडेंट का एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी। बीएड है, बीएड की तरह करो, फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो उन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, रटाफिकेशन से पास हो जाते हैं। बट बीएड की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सीटेट, यूपीटेट या DEESSB जो भी एग्ज़ाम आप देते हो, रीट, ठीक है, सभी के लिए यूज़फुल रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपने बीएड में समझ लिया ना, बिलीव मी, आगे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी ना सीटेट यूपीटेट हर एग्ज़ाम में ना यहाँ से वेरी शॉर्ट आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है क्वेश्चन कैसे आ गया। अब आपने इस टाइम पे ये अच्छे से पढ़ा है, देखो उस टाइम पे आप सिलेबस से तैयारी करोगे, बट ये वीक पॉइंट कहीं से भी एक लाइन उठा के दे दी, वो तो आप तैयारी नहीं करोगे ना। तो अगर ये आप चीज़ें बीएड में अच्छे से कर लोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट क्लास को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। सहयोगी शिक्षण या कोलैबोरेटिव टीचिंग भी हम इसे बोलते हैं। ये आपका शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में भी आएगा, तो लॉन्ग में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सहयोगी शिक्षण, कोलैबोरेटिव क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़, इंसान, एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ मिलके जब चीज़ें करते हैं। ये एक सिंपल, मैं बोल सकती हूँ वोकैबुलरी इसका मीनिंग है ना, वोकैबुलरी में जो हम बोल सकते हैं, बट यस थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। सहयोग घटित होने वाली चीज़ के अर्थपूर्ण सम्मिलन के लिए आवश्यक है। यानी कि कोई एक चीज़ हो रही है, उसे एक इंसान करेगा तो मे बी उतने अच्छे से नहीं कर पाए जितने अच्छे से एक से ज़्यादा लोग कर पाएंगे। और सहयोग आवश्यक के रूप में प्रक्रिया है जहाँ भाग लेने वाले अध्यापक, सहभागी अर्थ या पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, फिर परस्पर सहयोग से उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं और सकारात्मक बातचीत, सलाहकार, संचार के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। वास्तव में किसी सहयोग की सफलता उसके उच्च स्तर के गुणों एवं सह सलाह और संचार पर ही निर्भर करती है। यानी कि हम कोई टीचिंग करते हैं, हम कोई प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल्स में होता है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, उस एग्जांपल को समझोगे तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, स्कूल्स में फंक्शन होता है, 15 अगस्त मनाई जाती है, 26 जनवरी मनाई जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक टीचर तो वो सब अनाउंस नहीं करता, वो सब प्रोसीजर नहीं देखता ना, एक से ज़्यादा टीचर होते हैं, जो जिस चीज़ में बेस्ट होता है उससे उस चीज़ के रिलेटेड बातचीत की जाती है और देन एक परफेक्ट थिंग हमारे सामने आ जाती है। तो क्या हुआ, एक से ज़्यादा टीचर मिले, आपस में एक दूसरे की सलाह ली, फिर उसे प्रोसेस किया और एक बेस्ट प्रोग्राम हमारे सामने आ जाता है, तो उसे हम सहयोगी शिक्षण कहते हैं। ये सेम टर्म अगर टीचिंग के थ्रू होती है, टीचिंग में होती है कि किसी के थ्योरेटिकल पार्ट लिया, किसी की प्रेजेंटेशन ली, किसी का क्वेश्चनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, किसी का रेनफोर्सिंग स्किल बहुत अच्छा है, तो क्या करा हमने सबकी अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली और उस अपने टीचिंग को एक प्रोसेस बना दिया, दैट इज़ नोन एज अ कोलैबोरेटिव टीचिंग। ठीक है, अब आप स्किल्स में कंफ्यूज हो, स्किल्स नहीं करे हैं तो मैंने बहुत इजीली समझाए हैं, जाइए देखिए क्लासेस को, देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यस, अब देख लेते हैं हम कि इसमें अप्रोच क्या क्या हो सकती है। जैसे कि सहयोगात्मक सलाह, तो ये नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट तो अप्रत्यक्ष ही होगा। डिस्क्रिप्शन, सामान्य शिक्षण का अध्यापक वर्तमान स्थिति से गुजरने की सेवा मांगता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अप्रोच होते हैं। वरिष्ठ सलाहकार अप्रत्यक्ष होगा, है ना, क्योंकि स्टूडेंट का कांटेक्ट तो अप्रत्यक्ष होगा। देन नियमित शिक्षा के अध्यापक की स्थिति के समाधान का प्रभावी तरीका ढूंढते हैं, ये क्या क्या करता है वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। अध्यापक सहयोगी टीम, अध्यापकों की टीम अध्यापकों की समस्या के विश्लेषण एवं निदान में सहायता प्रदान करती है। देन सहयोगात्मक शिक्षण क्या है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट पूछता है बच्चों से कि सामान्य और विशेष शिक्षा अध्यापक छात्रों को सीधी सेवा देते हैं, है ना। जो टीचर है वो ऐसा नहीं स्टूडेंट से कांटेक्ट ही नहीं करेगा, स्टूडेंट से मतलब नहीं रखेगा, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसके सामने रिप्रेजेंट की जाएगी और उसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सहयोगी शिक्षण की आवश्यकता क्यों हुई, ये कुछ पॉइंट्स है, इससे अगर आप अब तक इस टॉपिक को नहीं समझे ना तो इससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यस, सहयोगी शिक्षण की आवश्यकता क्यों हुई,
ये थ्योरेटिकल करने की जरूरत नहीं, सबसे फर्स्ट सहयोग स्वेच्छा से होना चाहिए। लोगों को मिलने के लिए बाध्य तो किया जा सकता है, पर वास्तविक सहयोग के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। यानी कि मैं किसी के साथ काम करने के लिए खुश हूँ या तैयार हूँ, तो वो मुझे तभी करना चाहिए जब मैं तैयार हूँ। तो मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए मेरे पास, अदरवाइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं स्वतंत्रता है मेरे पास, दैट इज़ नोन एज अ गुड, बट अगर नहीं है तो वो गलत है, और स्वतंत्रता के बिना कुछ भी करना गलत ही है, ठीक है। उसमें हमें इतनी खुशी, इतना कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना हम अचीव नहीं करेंगे अगर हम अपनी मर्जी से वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड, सहयोग भागीदारियों के बीच समूह की आवश्यकता होना, यानी कि टीम टीम बना ली, बहुत सारे शिक्षक एक साथ आ गए, ठीक है, बट उन सबको एक टीम बनाना, हर एक को इम्पोर्टेंस मिलना, ये क्या है, ये एक ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं होगी तो हमारा सहयोगी शिक्षण भी नहीं होगा। थर्ड, सहयोग का अर्थ है ना पारस्परिक सहमति, एक के काम से दूसरे इसकी सहमति होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ, सहयोग को विभाजित उत्तरदायित्व और विभाजित संसाधन चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, समूह के सभी सदस्यों द्वारा लिए गए फैसलों के परिणाम के प्रति जिम्मेदारी सभी की, एग्जैक्टली। किसी ने मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम कर दी है, तो उसमें जो मीनिंग होगी ना, वो जो मतलब होगा, वो सभी का होगा, सिर्फ एक इंसान का नहीं होगा, एक इंसान उसके पीछे नहीं होगा, सभी होंगे। अब आ जाते हैं सहयोगी शिक्षण के लाभ। या सबसे पहला, ऐसे विचारों का विकास हो जिनमें के बारे में कभी सोचा नहीं। जब बहुत सारे टीचर एक साथ एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो नई नई चीज़ें निकल के आएंगी जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। सेकंड, सीमित संसाधनों का प्रयोग, है ना, ताकि अचानक मांग उन पर थोपी ना जाए, एक लिमिटेड चीज़ें ही यूज़ की जाती हैं। अपने ही शिक्षण योजनाओं का आलोचक होना ताकि प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार हो। मान लीजिए हम टीम में, मैंने एक अपना थॉट दिया, दूसरे को वो पसंद नहीं आया, तो क्या होगा, मैं उस थॉट को इम्प्रूव कर दूंगी, है ना, उसे चेंज कर दूंगी, तो क्या होगा कि उस एक बच्चों के सामने जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो एक अच्छी ही आएगी, क्योंकि चाहे हमारे टीम में कुछ भी हुआ हो, बच्चों के सामने एक परफेक्ट तरीका ही आएगा, तो उन्हें उसका फ़ायदा ही मिलेगा। काम का कम होना, है ना, जब वो बट जाएगा काम तो वो कम ही होगा। एक अध्यापक, मनोरंजक एवं सामाजिक योजना का अनुभव, है ना, हर एक चीज़ भाई वो इंटरेस्टिंग बनेगी जब अलग अलग टीचर आएंगे तो। सहयोगात्मक दायरे का विकास, आपस में अच्छा रिश्ता बनेगा, है ना, सहयोग होगा एक दूसरे का, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अन्य कक्षाओं में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी सचेत, कि कौन सी क्लास में क्या सिस्टम हो रहा है, और संदर्भ संबंधी समस्या का निदान, यानी कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको करा दिया, सिर्फ आपके 7 मिनट भी नहीं लिए हैं, 6 मिनट में टॉपिक करा दिया, और वादा करती हूँ इस एक क्लास को आज देख लीजिए, अगेन एक बार कल देख लेना, पेपर से पहले फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पेपर के टाइम मत देखना, जब पेपर में आपका सहयोगी शिक्षण आएगा मेरी क्लास पे बस एक बार फोकस कर लेना कि उस मैम की क्लास देखी थी, आपको दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो मैं क्लास को एंड करती हूँ, बाकी सभी डिटेल्स बीएड की प्रैक्टिकल फाइल से लेकर असाइनमेंट तक सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा।